दोस्तों, जो वीडियो अभी चल रही थी द हिंदू डिसीजन की, उसके टर्मिनेशन हो गया था, तो मैंने सोचा इसका सेकंड पार्ट फिर ले आता हूँ। एक बार तो मन कर रहा था कि कल ही जो डिस्कशन आएगा उसमें इंक्लूड कर लूंगा, पर लेकिन हो सकता है कल और सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिले और उसमें फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाए वो, ठीक है। तो फिर इसका सेकंड पार्ट बना देता हूँ, जिन्हें कहते कंगाली में आटा गीला। ऑलरेडी जैसे तैसे मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, और ऊपर से ऐसी ऐसी जब चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि आखिर क्यों, ऐसा ही क्यों, ठीक है। उन्हें तो मोटिवेशन आप लोगों को बता रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर पहले मोटिवेशन मतलब एक अच्छा डिस्कशन किया था कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों। चलिए कोई नहीं है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इंसान को हमेशा ताकतवर बनाती हैं और अच्छे से काम करने के लिए तैयार करती हैं। तो ये इंसान को अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम में अगर इंसान अपने आप को थामना सीख गया, तो फिर इंसान जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को भी आराम से टैकल करके ले जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई दिक्कत ऐसी ऐसी आ रही है लाइफ में, तो हंस हंस कर उसको लेकर आगे चलिए, देखना जब उससे उबर कर आप लोग आगे निकल कर आओगे तो एक नेक्स्ट वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे फेडरलिज्म के बारे में, तो ये हम लोगों ने देख लिया था, ये पहली वीडियो में डिस्कस किया। अब सेकंड पार्ट ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसका, तो उसका एंड जहां से हुआ वहीं से स्टार्ट करता हूँ, वरना फिर और लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैंने आप लोग क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हम लोगों ने फेडरल जो गवर्नमेंट है और यूनिटरी गवर्नमेंट ये बताया था, और मैं यहां से डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। तो जहां से टर्मिनेट हुआ एग्जैक्ट वहीं से इसको स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप लोग आराम से कंटिन्यूटी बना सकें। तो हम लोगों ने यहां पर देखा था कि एसआर बुमई का जो केस था, उसने काफी बड़ा इंपैक्ट डाला हमारी कंट्री में संघवाद के ढांचे के ऊपर, फेडरलिज्म सिस्टम के ऊपर, जिसके चलते ये देखने को मिला कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का ढांचा, यानी कि सेंट्रल स्टेट जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया संविधान के अंदर और उसका पार्ट इसको बना दिया। यानी कि आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं संविधान में, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगी, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर कितना कौन क्या क्या चेंज कर सकता है। उसको रोकने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसको इवोल्व करता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधान को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया था 1976 में, तो बहुत बड़ा चेंज हमारे संविधान में किया गया, और चेंज वो इतना बड़ा था कि हमारे संविधान में इतने बड़े चेंज किए गए कि इसको छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलने लगे, कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, यानी कि छोटा सा संविधान यहाँ पर बन गया ये जो था। तो ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर निकल कर आया, उस टाइम पर यहाँ पर ये देखा गया यार अगर ऐसी चीज चलती रही तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर बोला गया कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि इसको रोका जा सके। हालांकि आगे चलकर फिर यहाँ पर ये इसका एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, जो कि यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, उसमें सारी जो भी गलतियां की गई थी उनको सुधारने की कोशिश की गई। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को बोलता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि वो संविधान में संशोधन कौन से नंबर का था कि जिसमें 42वें संविधान के संशोधन की सारी गलतियां जो थी वो ठीक की गई थी, ठीक है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से लेकर 77 तक, उसी द्वारा सारा संविधान चेंज किया गया। फिर जब इनकी गवर्नमेंट हट गई तो फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, फिर उनके द्वारा ये चेंज किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 1977 से तो बाद में होगा, तो ये 1978 में था। अब ये बताना कि संविधान संशोधन कौन सा था, ये 42nd था तो क्या वो 43 था या फिर 44 था या 45 या 46, तो ये आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। बाकी समझने की कोशिश करते हैं अब इसमें और क्या क्या बातें की जा रही है, ताकि अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए अभी ये आर्टिकल में न्यूज में क्यों है और क्यों हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक यही पॉइंट आप लोग के माइंड में होना चाहिए। अभी रिसेंटली जिस तरीके से COVID-19 की बीमारी देखने को मिल रही है, तो COVID-19 की बीमारी के चलते जो सेंट्रल और स्टेट है उसके बीच में एक झड़प निकल कर आ रही है। यानी कि एक तरीके से जो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पर दिखना चाहिए था सेंट्रल और स्टेट का, वो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सामने देखने को नहीं मिल रहा है, और उसके चलते जो COVID-19 को जो टैकल करने की चीज थी वो भी इसको ढंग से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारी बातें यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए आज के डेट में अगर एक स्ट्रॉन्ग जो सेंटर होता है तो फिर यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की बात आती है कि आप लोगों को बैलेंस बनाकर चलना है, पर लेकिन वो बैलेंस बन नहीं पा रहा है। कई सारे ऐसे इशू पास में भी देखने को मिले। अगर मैं इन बैलेंस के बारे में आप लोगों से बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में सेंटर के हाथ में काफी ज्यादा पावर आ गई है। पहले अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पर जैसे कि GST हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जो इंप्लीमेंट किया गया उस टाइम पर हमारी कंट्री में मैक्सिमम पावर जो थी वो सेंटर के हाथ में आ गई, तो स्टेट की पावर को कम किया गया कहीं ना कहीं जो टैक्स लगाने की पावर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं APMC के चलते कई सारी न्यूज देखने को मिलती थी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, जिसमें सेंटर के द्वारा जो स्टेट की पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई, उसके चलते हमारी कंट्री में 3 बिल भी लेकर आए गए फिर एक्ट बन गए। तो ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर जो होता है स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो सातवें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तीन लिस्टें, सेंटर स्टेट और कॉन्टिनेंट। तो स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर, पर लेकिन सेंटर ने तीन बिल बनाकर रख दिया जो उसमें तिकड़मबाजी लगाई, उसके चलते पूरी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी के चलते जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो इसके अंदर अमेंडमेंट करके उनको रेगुलेट करने का बात की गई। जबकि कोऑपरेटिव अगर कोई ऐसी सोसाइटीज के बारे में बात करें तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है हमारे संविधान में, तो इसके चलते भी कई सारी चीजें देखने को मिली। तो बार बार ऐसा कोशिश हमारी कंट्री में की जा रही है कि संविधान के अंदर चेंज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो है पावर किसकी है, वो स्टेट की पावर है और सेंटर के द्वारा अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट नहीं, दो इंसिडेंट अभी देखने को मिले। एक इंसिडेंट में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर राज्य के हैं तो स्टेट के हैं, तो स्टेट के कैडर उनको मिलते हैं, कौन से कैडर मिल रहा है किस राज्य का, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट उनसे बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा है किसके, स्टेट को, ठीक है। तो वो देखने को मिला। एक हमारी कंट्री में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशांक पोखरियाल साहब, उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया गया। तो उसी के चलते ये आर्टिकल आ रहा है कि फेडरल सिस्टम का हम लोग फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीजों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बैलेंस होना चाहिए और म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, यानी कि अपनी दादागिरी यहाँ पर सेंटर चलाएगा स्टेट के ऊपर, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल स्टेट लेवल पर वो यहाँ पर फॉलो करके इनको चलना चाहिए। ये इस तरीके से नहीं कि बाईपास कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई सिटी है ना, आप लोग क्या करते हैं कि यार सिटी के अंदर से नहीं जाना, बाईपास करके निकल जाते हैं, भीड़ भड़ाके वाला इलाका रहेगा वहां पर। तो यही काम स्टेट कर रहा है, बाईपास सॉरी सेंटर कर रहा है, स्टेट को बाईपास करके निकल जा रहा है। तो ये सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि क्या रियलिटी में सेंटर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है, वो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, या फिर बिल्कुल सारी चीजों को साथ आंख पे रख के बैठ गया है। कुछ और बातें, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल निशांक साहब जो हैं यहाँ पर, रमेश पोखरियाल निशांक, इनके द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहाँ पर है, अगर एजुकेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन जो है हमारे संविधान के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, पर लेकिन अगर सेंटर ने लॉ बना दिया तो स्टेट को वो लॉ जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये 42वां संविधान में संशोधन किया गया था, जब यहाँ पर ये स्टेट लिस्ट में होकर दी थी, तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, ताकि सेंट्रल स्टेट दोनों काम कर सके। तो उसके बारे में हम लोगों ने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है, इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, कोई कंफ्यूजन है तो उसको देख लेना, ठीक है। अभी अगर बात करूं आप लोगों से, जो क्लास 12th के जो एग्जामिनेशन है, जब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो मैटर है, तो कई सारे जो सेक्रेटरिएट हैं स्टेट के, उनसे बातें की गई, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो यहाँ पर जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी यहाँ पर फीडबैक लिया गया, वैसे ही यूनियन मिनिस्टर के द्वारा फीडबैक लिया गया एजुकेशन का, अलग अलग एरिया से। पर लेकिन नॉर्मली होना क्या चाहिए था यार, इनको डायरेक्ट ना स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, जिससे ये फीडबैक अच्छे लेवल पर ले सकते थे। पर लेकिन डायरेक्ट जाकर वहां पर लोगों से बात करना, उस स्टेट के अंदर में इस तरीके से ऑफिशियल से बात करना, ये सेंटर के दायरे से नहीं होता है, ये बेसिकली स्टेट के दायरे में आता है, ये नॉर्मली बोला जाता है। अभी यहां पर क्या किया गया, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है वो बाईपास कर रही है स्टेट को, तो तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट से सेक्रेटरी को भेजा ही नहीं, और ये बोल दिया गया कि यहाँ पर नरेश पोखरियाल साहब के द्वारा, जब लास्ट टाइम अगर बात करें, इनके द्वारा बोला गया कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोग लेकर आ रहे थे, उस टाइम भी आप लोगों ने हम लोगों को इंक्लूड नहीं किया, अपने हिसाब से बनाई और उसको हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, तो जब उसमें आप लोगों ने हमको काउंट नहीं किया, तो अब एजुकेशन में जो भी दिक्कत आ रही है उनको ऊपर करने के लिए आप हमसे बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप वो भी बातें नहीं कर रहे हैं, हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर से बातें नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी से बातें कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो कितने हद तक ये सही है, तो ये चीजें भी समझने वाली हैं यहां पर। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम किया गया, ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसे एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है वो बनाए गए, उसमें कई सारे आरोप लगाए गए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं, पहले राजीव गांधी साहब के द्वारा भी ऐसी बातें की गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अंदर कांग्रेस रूल के पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। देखिए दो चीजें और आप लोग यहां पर समझिए, एक तरीके से अगर आप लोग इस डिफरेंस को समझ पाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आएगी। एक साइड में है सेंटर और एक साइड में है स्टेट, ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और यहां पर स्टेट S1 है और स्टेट S2 है। S1 स्टेट वो है जहां पर सेम गवर्नमेंट है जो सेंटर में है, मान लीजिए सेंटर में बीजेपी है और उस स्टेट में भी बीजेपी है, ठीक है, तो एक तो वो हो गया, एक वो स्टेट है जहां पर सेंटर में बीजेपी है और दूसरे किसी राज्य में यहां पर कांग्रेस है।
अगर यहाँ पर बात करें तो ये इसको बाईपास कर देते हैं कई बार बिना पूछे ताछे, क्यों? क्योंकि लगता है कि अपनी ही गवर्नमेंट है, कौन क्या बोलेगा, हमारे सामने तो किसी की औकात नहीं है बोलने की। जबकि दोनों का मैटर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के मुद्दों पर चुनकर आती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पर चुनकर आती है, पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नॉर्मली बाईपास कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को जहां दोनों की गवर्नमेंट होती है। और सेम हरकतें करने की कोशिश की जा रही है वहां पर भी जहां पर इनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, और ये काम सेम कांग्रेस के द्वारा भी किया गया था पहले और अब बीजेपी भी कर रही है। तो इसको गलत तरीके से लेकर चला जा रहा है, ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो ये अंडरमाइन किया जा रहा है। इसका डिफेंस जो देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन परमिशेबल अगर बात करें तो आर्टिकल 256 आर्टिकल 257 को बात की जाती है यहाँ पर, लेकिन ये सही नहीं है। जब यहाँ पर अगर बात करें किसकी गवर्नमेंट है वो देखनी पड़ेगी, कैसे चीजें चल रही हैं। आप लोग अपने वाली गवर्नमेंट को तो काउंट ही नहीं करते हैं कि हाँ हमारी तो गवर्नमेंट सेंटर में, हमारी स्टेट में, अपना आप कर लेंगे साहब, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये एक बैलेंस बनाने वाली बात जो होती है उसको साइड में रख देते हैं। स्टेट जो है उनको फॉलो करना होता है सेंटर के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है, कोर्ट के लिस्ट के अंदर मैंने बात की अभी आप लोगों से, और अलाउ करते हैं डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी इनको डायरेक्शन मिलती है। तो ये एक प्रॉपर ढांचे के तहत यहां पर काम होता है वो आप लोगों को देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसके चलते अगर एड्रेस करें पर्टिकुलर स्टेट को, तो फिर मैंने बताया कि ये बाईपास करने वाली बात आ जाती है कि स्टेट को बाईपास कर दिया, सेम गवर्नमेंट है तो क्या, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है तो क्या, तो दो प्रॉब्लम देखने को मिली। इसी के साथ में मेजर जो पेंडेमिक रेस्पॉन्स है उसमें आप लोगों को देखने को मिला, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रिलैक्स करना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मेडिकल सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, यानी कि जब यहां पर ये सारी चीजें चल रही थी, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो एक ऐसा माहौल लगा कि हमारी कंट्री में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चल रही है, और जब यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की ढंग से बात आई तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बातें डाल दी कि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि लॉकडाउन लगाओगे आप, और जब यहां पर हेल्थ को सुधारने की बात आएगी तो स्टेट लिस्ट के ऊपर आप लोग बोल दोगे। कितने हद तक ये वाजिब है, ये एक सोचने वाला मुद्दा है यहाँ पर। ये दूसरा, अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो डिस्कशन की बात की जाती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर स्टेट के अंदर में, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, यानी कि जो संविधान के अंदर एक स्ट्रक्चर रखी गई थी कि अलग से एक पर्टिकुलर स्टेट को अपनी एंटिटी देनी है, वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। इवन वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि ह्यूमिलिएट किया जा रहा है हम लोगों को। मैंने बताया था ना अभी पहले पार्ट में कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन है उसमें एक टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद बोलते थे कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। पर आज की डेट में जब वो पीएम की पोस्ट पर बैठ गए, अब वो खुद वही काम कर रहे हैं जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। तो सेम थाली के चट्टे बट्टे, जब कांग्रेस के पीएम थे तब भी सेम काम हो रहा था, अभी बीजेपी के पीएम है अब भी सेम काम हो रहा है। कहने का मतलब यहां पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि जनता को किस तरीके से टैकल करना है वो फोकस रहता है, ना कि ज्यादा फोकस ये रहता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से प्रोवाइड कराना है। ये प्रॉब्लम आप लोगों को हर एक गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी, और ये जनता के लिए नहीं, हमेशा अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उसके ऊपर जब ज्यादा फोकस रहेगा तब ऐसा रेस्पॉन्सिबल ये इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। देखिए, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मुद्दा नहीं है। कई बार कई सारे जैसे आप लोग मानिए बीजेपी को फॉलो करते हैं, फिर आप लोग कांग्रेस को फॉलो करते हैं, कांग्रेस के बारे में कुछ बोल दे, सर आप कांग्रेस के बारे में क्या जानते हो? यार मुझे नहीं जानना है, मुझे अपने देश के बारे में जानना है। देश के साथ में सही होगा तो मेरे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भगवान की तरीके से है, हाँ मेरे देश को बचा के चल रही है, अच्छे लेवल पर लेके चल रही है। पर लेकिन अगर देश के साथ में सही नहीं हो रहा है तो यही पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एक, वो नहीं कहते कि बिल्कुल इनकी औकात नहीं है, फिर इनको रेस्पेक्ट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। जिस चीज के लिए इनको रखा गया वो चीज जब ये इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो देश को पहले रखो यार, अपनी कंट्री को पहले रखो, अपनी कंट्री के लोगों को पहले रखो। गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी, पर लेकिन अगर देश सही डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सैल्यूट करो पॉलिटिकल पार्टी को, उनको सर पे बैठा कर रखो, सराखों पे बैठो उनको। पर लेकिन अगर इसके अपोजिट काम हो रहा है तो फिर थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो संघवाद का ढांचा फॉलो करने की बात की जा रही है एक प्रॉपर वे में, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग एक्ट के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री जो है वो काफी अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, किसके साथ में, इसराइल और पैलेस्तीन के इशू के साथ में। इसराइल जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और पैलेस्तीन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझेंगे कैसे कैसे। अभी क्या हुआ, हमारी कंट्री के द्वारा जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट किया गया मेनली पैलेस्तीन को, ठीक है, और इसराइल के खिलाफ भी कोई ज्यादा उल्टा सीधा कोई कमेंट किया नहीं गया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश हमारी कंट्री में की गई। तो यहां पर इंडिया के द्वारा बोला गया
दोनों को ही कि जिस तरीके से यहां पर अटैक किया जा रहा है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप पर जिस तरीके से इसराइल के ऊपर अटैक किया गया, दोनों ही गलत चीजें हैं। इनको दोनों को हम लोगों को एक तरीके से कंडेम करना पड़ेगा। अभी कई सारे अटैक आप लोगों को अलग अलग एरिया में देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है इसराइल के अंदर, और ये सारी चीजें इसराइल और पैलेस्टीन के अंदर। पैलेस्टीन दो एरिया में डिवाइड है, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप और इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। तो मेनली जो चीजें देखने को मिल रही है गाजा स्ट्रिप में देखने को मिल रही है, और इन्हीं के द्वारा ये अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर। तो इसराइल तो फिर रिप्लाई करेगा दबा कर, तो अब वो कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी गोलान हाइट है यहां पर। ये जब 1967 की जब वॉर हो रही थी, जो 6 दिन की लड़ाई बोलते हैं, उसमें यहां पर सीरिया से हथियार लिया गया था गोलान हाइट इसराइल के द्वारा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा एरिया जो इनके द्वारा हथियार लिया गया था उस टाइम पर। तो अभी उनके बारे में भी कई बार बात की जाती है। डेड सी देखने को मिलेगा आप लोगों को यहां पर इसराइल, जो वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में, तो ये भी एक एरिया है। जेरूशलम यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है। तल अवीव, नॉर्मली यहां पर हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है वो तल अवीव के अंदर है इसराइल के अंदर, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एम्बेसी जेरूशलम में पहुंचा दी, वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से माहौल बना हुआ है। अभी समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ संडे में गाजा स्ट्रिप कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इंडिया बीइंग ए नॉन परमानेंट मेंबर, टोटल 15 मेंबर उसके अंदर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट होते हैं जो कि कहीं नहीं जाते हैं, और 10 मेंबर नॉन परमानेंट जो कि आते जाते रहते हैं। परमानेंट मेंबर आप लोगों को पता ही है कौन है, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और फ्रांस हो गया। ये परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। अभी यूएसए के द्वारा भी वीटो पावर यूज की गई जो इसराइल को बचाने के लिए। वीटो पावर ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री 5 में से किसी चीज को बोल देगी ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाती है। सब अपने अपने सहयोगियों को बचाने में लगे रहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया को कई बार चाइना के द्वारा बचा लिया जाता है, ठीक है। कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है ऐसी। अभी पाकिस्तान को कई बार बचाया गया यहां पर चाइना के द्वारा, ठीक है, G7 के मुद्दे को लेकर, वो क्या कहते हैं उसको, बेसिकली G7 का जो कंट्री, G7 की कंट्रीज के द्वारा जो बनाया गया था ना, जिसमें एक तरीके से टर्म कई बार माइंड से स्लिप हो जाती है, ठीक है, चलिए बताऊंगा जब भी दिमाग में आएगा। अभी कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर अभी पाकिस्तान की हेल्प की गई यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टाइम टू टाइम जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर है अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। तो ये जो मिसयूज यहाँ पर होता है, इसके ऊपर को भी कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये बॉडी किस लिए बना रखी है, जिस लिए बना रखी है वो काम तो आप लोग करते नहीं है, आप लोग और ही दुनियादारी में जुड़े रहते हैं यहाँ पर। तो ये सारे मुद्दे भी आप लोग को देखने को पड़ेंगे। TS जो त्रिमूर्ति है वो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसको आप लोग यूएन बोलते हैं। तो जेरूसलम को लेकर इनके द्वारा बोला गया कि जो भी चीजें यहाँ पर चल रही है, पैलेस्टीन की कई सारी फैमिली को यहाँ पर निकाला जा रहा है, तो कंसर्न इनके द्वारा दिखाया गया। जो अटेम्प्ट यहाँ पर बेसिकली स्टेटस को बनाने की कोशिश की जाती है जेरूसलम को, जेरूसलम जो यहाँ पर अभी आज की डेट में इसराइल के कंट्रोल में आ गया, पर लेकिन रियलिटी में ये दोनों का पार्ट है, क्योंकि ये 3 रिलीजन के लिए काफी फेमस है, एक तो ज्यूज के लिए, दूसरा क्रिश्चियन के लिए और तीसरा इस्लाम के लिए, तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर अगर बात करें पैलेस्टीन के बारे में, तो इंडिया हमेशा से दिखाता है, पर लेकिन साथ ही साथ 2 नेशन थ्योरी को भी हम लोग बोलते हैं कि ये भी होनी चाहिए, यानी कि 2 कंट्री होनी चाहिए, मुस्लिम के लिए हो गया पैलेस्टीन और ज्यूस के लिए हो गया यहाँ पर जो बेसिकली इसराइल। तो ये फंडा है जो कि यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है, काफी लंबे समय से लोग इसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर दो नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। डायरेक्ट कंडेम तो ज्यादा हम लोगों ने वैसे किया गाजा स्ट्रिप को, पर लेकिन एक बैलेंस ही बनाकर रखा, ठीक है, एक बैलेंस बनाकर रखा ताकि इसराइल को भी गुस्सा ना लगे। इसराइल ने हमारा हर टाइम साथ दिया, काफी लार्ज स्केल पर मिलिट्री सप्लाई हम लोगों को देता है, और मई 10 से जब यहां पर बम्बार्डमेंट की जा रही है उसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो एक रेफरेंस जो यहां पर हम लोगों ने बचने की कोशिश की जेरूसलम को लेकर, जो कि काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उससे हम लोगों ने एक त्रे साइड में रखा अपने आप को। और रिसेंट चेंज ये हमारी पॉलिसी में देखने को मिला, नॉर्मली 2017 के बाद में, पहले क्या था, इंडिया और जो इसराइल है वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे नए नए जो कपल होते हैं ना, वो मिलते हैं एक तरीके से दुनिया के सामने अपना आपको नहीं लाना चाहते अपने रिलेशनशिप को, तो आराम आराम से बातें करते रहते हैं ताकि कोई इसमें इंटरफेयर ना करे। जब पूरी चीजें फिक्स हो जाती हैं तब ये दुनिया के सामने उसको लेकर आते हैं। तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और इसराइल का रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है, अंडर द ग्राउंड दोनों की चीजें चलती रही, हमेशा इसराइल ने हम लोगों को सपोर्ट किया, सारी चीजें चलती रही, पर लेकिन जब यहां पर चीजें जो थी, जब यहां पर सामने लाने की बात बनी, तब हम लोग इसको सामने लेकर आए 2017 में, अभी पहली बार। अभी क्या हुआ 2017 में, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके द्वारा विजिट किया गया इसराइल में, और इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके द्वारा विजिट किया गया, ठीक है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिला। तो
तो बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, पर एक अभी एक्टिविटी जो सामने निकल कर आई वो थोड़ी सी अलग तरीके की थी। यहाँ पर यूएसए को थैंक्स बोला, बाकी बहुत सारी कंट्रीज को थैंक्स बोला, टोटल 25 कंट्री को। तो इसमें हमारी कंट्री को थैंक्स नहीं बोला, इंडिया इसमें नहीं था, इंडिया को इग्नोर कर दिया गया इनके द्वारा। यानी कहीं ना कहीं इसराइल आज के डेट में किसी न किसी मुद्दे को लेकर तो खुश नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ में खड़ा मिलता है। चाहे सर्जिकल जो उरी स्ट्राइक थी उससे पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था, इसराइल ने साफ साफ बोला था कि किसी भी तरीके की सिचुएशन बने, कोई भी कंडीशन बने, एक बार दोस्त आवाज देना, बेंजामिन नेतन्याहू वही मिलेगा खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये उनके द्वारा बोला गया, लेकिन हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं, ठीक है। हमारी भी अपनी अपनी मजबूरी है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिया है उसके द्वारा, यहाँ पर अगर बात करें इसराइल को, जो पैलेस्तीन वाला जो मुद्दा है, तो हमेशा इसराइल के अपोजिट में वोट डालेगी हिस्टोरिकली। 1947 यूएन की असेंबली के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर 90s में चीज़ें आगे चेंज होनी स्टार्ट हुई। 2017 में प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, विजिट किया इसराइल को, और नेतन्याहू के द्वारा विजिट किया गया इंडिया को 2018 में। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। इसराइल के साथ में स्ट्रॉन्ग जो टाई है हमारी अगर देखा जाए, पर लेकिन पैलेस्तीन को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसके पीछे क्या रीजन है उसके पीछे बात करेंगे। देखिए पैलेस्तीन के अंदर अगर बात कीजिए 1947 से पार्टीशन को लेकर, जिस तरीके से आप लोगों को अपनी कंट्री में चीज़ देखने को मिला, पैलेस्तीन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारी कंट्री ने सारी चीज़ें झेली हैं। तो हिस्ट्री इंडिया ने भी झेली है, पैलेस्तीन ने भी जोड़ी है। कोल्ड वॉर के टाइम पर हम लोग हमेशा पैलेस्तीन को आज़ाद कराने की बात करते थे, ठीक है, जब यहाँ पर कोल्ड वॉर चल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी एक इंसान ही जो जल जाता है तो बोलता है कि अगर दूध का जलावा छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। जो रिलेशन था यहाँ पर इसराइल के जो इंडिया के बीच में 1992 में, वो यहाँ पर कई बार आगे निकल कर आया डिप्लोमेटिक तौर पर। तो उस टाइम पर पैलेस्तीन को हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अलग कर दिया, पैलेस्तीन को भी हम लोग साथ में लेकर चलते रहे। इसलिए आर्टिकल का नाम भी रखा गया बैलेंसिंग एक्ट, हम लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में, ताकि मुद्दा जो है वो बिगड़ ना जाए। बैलेंस क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो अरब कंट्री है उनसे हम लोग काफी लार्ज स्केल पर तेल खरीद कर लेकर आते हैं, और अरब कंट्री इसराइल से चिढ़ती है, तो कल को हमारे ऊपर इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, एक तो वो बात। दूसरा, कई बार जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोगों का रिलीजन जो है हिंदू है, ठीक है, अगर किसी हिंदू के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आप लोगों को लगेगा यार हाँ हिंदू के साथ में गलत हो रहा है, आप लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर मुस्लिम है, मुस्लिम के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग आवाज़ उठाएंगे। तो हमारी कंट्री में भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि मुस्लिम भी है, और काफ़ी कुछ हमारी कंट्री में आप लोगों को ज्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी कंट्री कितनी प्यारी कंट्री है, ऐसा एक बागवानी है हमारी कंट्री जिसमें हर तरीके का फूल खिलता है, ठीक है, हर रिलीजन के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में भी इसका कोई इंपैक्ट ना पड़े वो देखने को मिलता है। तो इसके चलते कोशिश ये की जाती है कि बैलेंस बनाकर चला जाए, ठीक है। और इंडिया जो है वो फिलहाल अगर आज के डेट में बात करें, जैसे रॉकेट अभी दागे गए तो उसको लेकर हम लोगों ने बात की, हालांकि 12 लोग यहाँ पर इसराइल के गए जिनकी जान, पर लेकिन 230 के करीब जो जान गई वो गई गाजा सिटी में, और 60 बच्चे की भी जान चली गई। तो ये थोड़ी सी एक कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है यार, कि मतलब बम्बार्डमेंट हो रही है तो आप लोग वैसे आकर ग्राउंड में लड़ लो, अपने अपनी आर्मी को लेकर आओ, अपनी आर्मी को लेकर आए, तो उससे समझ में आता है बच्चों को बुजुर्गों को इनकी जान जा रही है, तो ये थोड़ा सा एक इरिटेट करने वाला फैक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं 1917 में ऐसा हुआ करता था, ये पैलेस्तीन था, 1948 में ऐसा हो गया यहाँ पर पैलेस्तीन और ये इसराइल आ गया, ठीक है। फिर 1967 की वॉर हुई तो और ज़्यादा कहानी खत्म कर दी, 1994 में और फिर अंदर भी सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, तो 1967 की वॉर जो थी इन्होंने बोला कि एक को स्टेटस बना के रखते हैं, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये फिक्स हम लोग रखते हैं, ये पैलेस्तीन का एरिया है, ठीक है, पर लेकिन अभी फिलहाल ये अंदर का एरिया भी इसराइल घुस चुका है, तो उसको देखते हैं कैसे चीज़ों को लेकर आगे चल पाएंगे। तो इसको लेकर कई बार यहाँ पर इनके द्वारा बात भी की जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आर्टिकल थोड़ा सा एक फैक्चुअल आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ फैक्ट्स हैं जो आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पुअर हेल्थ सिस्टम जो है हमारी कंट्री का, वो सुधारना पड़ेगा, वरना आगे आने वाले टाइम में अगर कोई कंडीशन खराब होगी तो हम लोग सुधर नहीं पाएंगे चीज़ों को। बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि जो हेल्थ जो है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं 7वें शेड्यूल में, जिसमें 3 लिस्ट रखी हुई हैं, तो स्टेट लिस्ट उसमें दूसरे नंबर की लिस्ट है, उसमें हेल्थ आता है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे COVID-19 की जो सेकंड वेव अभी देखने को मिल रही है, तो वर्ल्ड डेटा के कुछ डेटा है यहाँ पर, जो वर्ल्ड बैंक के कुछ डेटा हैं, ये लिंक कॉपी कर लीजिएगा अगर वो थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं भी इसको खोलकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर दिक्कत नहीं। और हाँ यार, कल की आप लोगों की पीडीएफ नहीं मिल पाई, उसके पीछे भी एक छोटा सा रीज़न है, बेसिकली बताऊंगा मैं आप लोगों को उसमें क्या क्या दिक्कत देखने को मिली आप लोगों को। दो तीन दिन से ना अभी चीज़ें यार कुछ ऐसी चल रही हैं, जैसे कि एक जो पर्टिकुलर जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो दूसरे लैपटॉप से करता हूँ, और PPT दूसरे लैपटॉप से बनाता हूँ। रीज़न उसका ये है
कि जो जिस लैपटॉप में अपलोड करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, उससे फास्ट हो जाता है। पर लेकिन वो जो लैपटॉप है उसमें कई सारे वो फंक्शन नहीं है जो विंडो में देखने को मिलते हैं, तो वो वाले फंक्शन अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं जब उसको एप्पल को आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से जो पीपीटी है वो उसमें मैंने मतलब जो जो विंडो वाला जो लैपटॉप था वो डाउन हो गया, ठीक है। वो मैं उसमें एक तरीके से जो पीपीटी जितनी बनाई थी उसी में रह गई, पर लेकिन दूसरे वाला जो वो था लैपटॉप उसमें उसमें पूरी पीपीटी फिर बनाई उसमें, तो उससे मैं पीडीएफ में उसको ढंग से कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ टेक्निकल इशूज़ आ रहे हैं अभी, तो उसको आराम आराम से समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जान रहा हूँ। वो नहीं कहते कि वही है बात बात फिर से कि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, तो ऊपर से टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना कि इसको बैठ के थोड़ा अच्छे से टाइम दे पाऊँ, तो उसकी वजह से भी चीज़ें, पर लेकिन कर रहा हूँ आराम आराम से। तो आप लोगों को पीडीएफ कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आप लोगों को पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो वो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जाएंगी कुछ नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, थोड़ा देर हो सकता है पर लेकिन दुरुस्त आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर अगर इंडिया के अंदर आज के डेट में जो डॉक्टर की संख्या है, 1 लाख लोगों के ऊपर हमारी कंट्री में 85 के करीब डॉक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 2017 का डेटा है यहाँ पर। अगर बात करें 98 इन पाकिस्तान है, हमारी कंट्री में 85 हमारी कंट्री से ज़्यादा है। बांग्लादेश में हालांकि कम है, श्रीलंका में हमसे ज़्यादा है, और जापान में सबसे शानदार। अगर कोई कंट्री है ना हेल्थ के मामले में सैल्यूट करने लायक आंख बंद करके, वो है जापान। भाई साहब गजब का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, गजब की एजुकेशन है, गजब के एथिक्स हैं लोगों के अंदर, मतलब मन करता है कि इस कंट्री में तो घूम कर आ जाए एक बार, ठीक है। इस कंट्री को मैं कहीं जाऊं चाहे ना जाऊं इस कंट्री में एक बार जरूर घूम के आऊंगा मैं। अगर बात करें यहाँ पर, अगर अब क्योंकि ये कंट्री ऐसी कंट्री इसमें सीखा जा सकता है, ठीक है। अपनी कंट्री के बाद में कोई सबसे प्यारी कंट्री मुझे लगती है तो वो लगती है जापान, जो कि सबसे प्यारी कंट्री लगती है। और डेडिकेशन के मामले में भी एक और कंट्री ऐसी है, वो है जर्मनी। जर्मनी में एक सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने कोई गलती किया तो अपने आप को पनिश करो आप लोग, इसे कभी भी आप लोगों को कोई और पनिश करेगा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सेल्फ पनिशमेंट, आप लोगों को उठना है सुबह, उठे नहीं सुबह, अपने आप को पनिश करो, तो ये देखो फिर आप लोग कितने शानदार तरीके से अपनी लाइफ को लीड करके चल पाओगे, कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचोगे। अगर नंबर ऑफ बेड के बारे में बात करें, 1,000 लोगों पर हमारी कंट्री में 1 लाख लोग अगर हमारी कंट्री में है, ठीक है, समझ रहे हैं, 1 लाख लोग हमारी कंट्री में है तो ओनली 53 बेड हैं, यानी कि 53 बेड हैं। अगर 1 लाख में से 100 लोग भी बीमार पड़ जाते हैं तो उनको आधों को हम लोग बेड दे पाएंगे, आधों को नहीं मिलेगा। जबकि पाकिस्तान में 63 है, ये बांग्लादेश में 79 है, श्रीलंका में 415 है, जापान में देखो जापान में 1,298 बेड है 1 लाख लोगों के ऊपर, जो कि एक अच्छा खासा डेटा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें नर्सेज के बारे में, हमारी कंट्री में नर्सेज की संख्या फिर भी ठीक ठाक है, 1 लाख लोगों के ऊपर 172 नर्सेज है। श्रीलंका में ये 220 है, बांग्लादेश में 40, पाकिस्तान में 70, और जापान में देखो ये है 1220 नर्सेज, वहां पर भी जापान बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में इसका रीजन क्या है, खर्च नहीं करना है, यानी कि हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं करना है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक बच्चे के द्वारा अभी मेल किया गया था, शायद मुझे लग रहा है कि शायद 1 हफ्ते पहले मेल किया गया था उसके द्वारा, तो अभी मैंने वो मेल देखा। उस मेल में लिखा हुआ है कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो कि मेरे पास में फिलहाल जो है अभी कुछ बुक्स मुझे खरीदनी है और मेरे पास में अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो उसके पास में मेल आया मेरे पास में, वो जो मेल आ रखा है, कई बार लिखा ना लिखा मिलता है कि विंडो से मेल आया है या फिर किस फ़ोन से मेल आया, तो वहाँ पर लिखा है मेल सेंड किया गया बाई आईफोन, ठीक है। मतलब एक बंदा जो है एक आईफोन अफोर्ड कर सकता है, पर वो बंदा जो है वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदना। तो यहाँ से क्या कंडीशन समझ में आती है कि हमारी कंट्री में अगर हेल्थ के बारे में आप लोग बात करिएगा, तो हेल्थ वैसे हमारी कंट्री की जीडीपी 10% के करीब पहुंच रही है, 10% आप लोग जीडीपी को एंजॉय कर रहे हैं, 8.5% एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं करना है, यानी कि जहां खर्च इंसान को करना चाहिए वहां खर्च नहीं करेगा, मोबाइल में पैसे उड़ा देगा पर लेकिन अपनी पढ़ाई में खर्च नहीं करेगा। पढ़ाई में खर्च करने को वेस्ट माना जाता है, जबकि कई सारी महान पर्सनैलिटी के द्वारा ये बोला गया कि एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों का देखने को मिलेगा। अपनी एजुकेशन के ऊपर अगर कहीं से भी किसी भी तरीके से अरेंज करके भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो करना पड़े, कोई बुक्स लेके आनी है आप लोगों को, कुछ और करना है जिससे कि आप लोगों की एजुकेशन थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, तो उसके बारे में कुछ भी क्यों ना करना पड़े आप लोगों को, पर उसको करो, ना कि आप लोग मोबाइल के ऊपर खर्च करो, कपड़े के ऊपर खर्च करो, कपड़ा इतना रखो कि बदन ढक जाए, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना भर भर के पहन लेना, कोट पैंट बूट शूट जो भी है कोई नहीं रोकने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखिए क्या है और उसके हिसाब से चीज़ों को लेकर चलिए। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं एक तरीके से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि किस तरीके से सिचुएशन जो है उसको टैकल करना है। मान लीजिए वो आईफोन नहीं लिखा होता
तो जिस तरीके से उसने मुझे बोला, तो अगर मेरे पास में उतनी रिक्वायरमेंट है जितना जितना मतलब मुझे किसी को हेल्प करनी है, तो मैं उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करता, ठीक है। पर लेकिन जब मैंने देखा आईफोन से सेंड किया गया, तो मुझे एकदम समझ में आ गया कि आदत खराब है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मैं भी यार बहुत फूंक फूंक कर आज के में कदम रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास में जो भी चीजें ना बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि जितना मैं कर सकता हूँ महीने में, थोड़ा बहुत जितना मैं रखता हूँ अलग से निकाल के, कि दो चार बच्चों की जितनी मैं हेल्प कर पाऊँ, तो वो उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक लिमिटेशन है, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं कोई एक टैक्स मिल रहा है मुझे कहीं से, जिस तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है। तो मैं अपने ही हिसाब से जितना मुझे लग पाता है उतना मैं कर देता हूँ जो मुझे लगता है, पर लेकिन उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है जो कि मुझे फॉलो करनी पड़ती है, वरना फिर वो नहीं कहता कि वो मेरा खुद का बेस हिल जाएगा, फिर अपने सर्वाइवल के ऊपर बात आने लगेगी, तो वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जेन्युइन पर्सन की रिक्वायरमेंट आप लोग पूरी करिए। ये इसलिए बताया मैंने ताकि आप लोगों को भी कभी खामियाजा न भुगतना पड़े, कोई गलत इंसान जो है वो आप लोगों के चक्कर उसके चक्कर में आप लोग पड़ जाइए और अपने रिसोर्सेज को गलत जगह आप लोग खराब कर डालें, ठीक है। तो ये चीजें देखिएगा। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, जहाँ खर्च करना था हेल्थ के ऊपर वहां पर खर्च ही नहीं किया गया, आज की डेट में वो हमको पता चल गया अब क्या जरूरत है। 1% के करीब जीडीपी का खर्च किया गया था 2013-14 में, अब बढ़ के ये 1.5% भी नहीं हुआ है, अभी 1.2% है। इसको बोला जा रहा है कि कम से कम 2.5% करना है जीडीपी का, तब जाकर चीजें थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ पाएंगी। और कई बार इसके बारे में बातें बोली जा चुकी है, पर लेकिन वही है कि जब इंसान के ऊपर आपदा आकर पड़ती है तब समझ में आता है कि हाँ यार कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था। और सेंटर इसलिए भी नहीं करता है, उसको पता है कि स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट अपना आप देख लेगा, मुझे क्या टेंशन लेनी है। तो स्टेट के अंदर से लगभग 70% जो पैसा खर्च हो रहा है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि यहां पर अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कुछ ज्यादा खर्च कर नहीं रहा है। सेंट्रल जो है वो यहां पर की प्लेयर होना चाहिए मैनेज करने के लिए, और है भी वो नॉर्मली, सारी टेक्निकल बॉडीज को कंट्रोल अपने आप में लिए हुए, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्सपर्ट जो बॉडीज हैं, ये आज के डेट में सेंटर के कंट्रोल में रहती है। तो स्टेट के पास में तो कोई एक्सपर्ट बॉडी ऐसी है नहीं है, स्टेट के पास में तो कोई टेक्निकल सपोर्ट है नहीं, फिर भी सेंटर जो है वो अपना हाथ खींचता हुआ यहां से नजर आता है। फिस्कल स्पेस के बारे में अगर बात करें, अभी जैसे जीएसटी आया तो सेंटर के पास में ज्यादा पैसा आ गया, क्योंकि सेस लगाने लगा है ऊपर से, यानी कि सेस ऐसा टैक्स होता है जो कि स्टेट के साथ में शेयर ही नहीं करना पड़ता है, ये देखने को मिला। पीएम केयर आ गया निकल के, पीएम केयर में कितना फंड इकट्ठा कर लिया इनके द्वारा, किसी को बताया नहीं कितना पैसा है। अब सेंटर के पास में रहेगा, स्टेट के पास में थोड़ी ना जाएगा, तो अलग से तुम्हारे पास में दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, पर लेकिन स्टेट को नहीं मिल पा रहे हैं, और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट को दे दी, तो कैसे टैकल करेंगे। तो इंटर स्टेट वेरिएशन है कई जगह, केरला और दिल्ली में अच्छा खासा सिस्टम है, पर कैपिटल जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, पर लेकिन बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना देखने को मिला। तो जिन राज्य में अच्छा है वहां चलिए अच्छा है, अब जिन राज्य में अच्छा नहीं है वहां क्या करोगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोलती है कि हमारी कंट्री में जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं ना, 62% अपनी जेब से खर्च करते हैं, जबकि जापान जैसी कंट्री में मैक्सिमम खर्चा जो है हेल्थ वगैरह का ऊपर गवर्नमेंट खुद उठाती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट है वर्ल्ड में हमारी कंट्री में। तो गवर्नमेंट का जो क्रिटिकल रोल है यहाँ पर, इंटर स्टेट जो वेरिएशन है, कहीं अमीर राज्य है कहीं गरीब राज्य है, तो कैसे उनमें बैलेंस बनाना है, तो पेंडेमिक के साथ में तभी हम लोग फाइट कर पाएंगे अगर ये चीजें हम लोग समझ पाए, अगर इग्नोर करेंगे तो नहीं चीजें हो पाएंगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेंटर के बारे में, सेंटर ऑलरेडी जो टाइट कंट्रोल है यहाँ पर मेजर डिसीजन लेने के लिए, पीएम केयर के बारे में आप लोगों को बता दिया अभी, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी और जगह देखने को मिलेगी COVID-19 से रिलेटेड काफी क्रिटिकल चीज निकल कर आती है। सेंटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीन का, जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये देखने को मिला, पता नहीं किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी राज्य को कितनी दवाई मिल रही है, किसी राज्य को कितनी मिल रही है, उसका कोई बेस ही नहीं बताया कि किस तरीके से आप लोग दे रहे हैं, तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहां पर पता होनी चाहिए कि पता चला अपने वालों को ज्यादा दे दी, दूसरे वालों को कम दे दी। तो पेंडेमिक जो है जिसकी वजह से कई सारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, एक एक इंसान भी नहीं बचा, कई सारी फैमिली में कंडीशन हो चुकी है, तो उसको कैसे संभालना है ये समझना पड़ेगा, और इसके लिए सेंट्रल स्टेट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हेल्थ में रखना पड़ेगा अगर आने वाली चीजों को ढंग से टैकल करके चलना है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल, एक आर्टिकल है यहाँ पर कैन द इंडियन इकोनॉमी या फिर अपनी कंट्री की इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर सकती है, ये बेसिकली कोविड जो सेकंड अभी वेव यहाँ पर आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये यह है कि यार पहले बार ऐसा था कि हमारी कंट्री में रिक्वायरमेंट थी लोगों की कि सप्लाई करो, लोगों को जरूरत है, पर लेकिन सप्लाई पहुंच नहीं पा रही थी लॉकडाउन की वजह से। अब लोगों के पास में पैसा ही नहीं है तो डिमांड खत्म हो गई है, और मार्केट जो होती है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है। मतलब क्या है, मतलब ये है आप लोगों को मैं बोलूं कि आप लोग से कई सारे बच्चे
कई बार बोलते हैं कि सर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी, वो फिर जित बच्चों के द्वारा रिक्वायरमेंट थी, जितनों के द्वारा बोला गया था हाँ ऐसा कुछ कर दीजिए, उतनों ने उसको देखा नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी वीडियो बना दी मैंने, ठीक है, वो ज़्यादा बच्चों ने देख ली। तो ये इस तरीके से काम होना चाहिए कि जिसको ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखे, जिस वीडियो को, वो लानी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा का फायदा हो जाएगा। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा किया जा रहा हूँ जिसमें लोग उसको ज़्यादा देख ही नहीं रहे, तो एनर्जी ज़्यादा अपनी वेस्ट कर रहा हूँ, आउटपुट कम आ रहा है, पर लेकिन कुछ ऐसा करूँ कि ज़्यादा बच्चे उसको देख रहे हैं, ज़्यादा का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि एनर्जी सही जगह यूटिलाइज हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्पज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो वो चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, तो ये जरूरी है। तो यहाँ पर पहले डिमांड थी, लोगों के पास पैसा था, पहली बार लॉकडाउन लगा, पर लेकिन उनको सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। अभी फिलहाल सप्लाई है, पर लेकिन लोगों के पास में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, और मार्केट कैसे चलती है इसी के ऊपर एक बैलेंस में चलती है, क्योंकि लोगों की बहुत लंबे समय से किसी के पास जॉब नहीं है, बहुतों को जॉब गई पर फिर से मिली नहीं, बहुतों की सैलरी जो है वो 1/2 हो गई, ठीक है, तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अब कैसे इसको रिवाइव करना है, सबसे पहली जो बात बोली जा रही है वो ये है, पहले लोगों के हाथ में पैसा दो। जैसे बोलते हैं, कई सारी ऐसी रिपोर्ट आ चुकी हैं कि लोगों के हाथ में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ उनको दो, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। और ये बोला गया था, अगर जो अपनी कंट्री की 1% पॉपुलेशन है ना, जो अमीर लोग हैं, अबानी अंदानी टाइप के, अगर उनके ऊपर आप लोग थोड़ा सा भी टैक्स लगा देंगे ना, तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ से पैसा निकाल कर आप लोग ला सकते हैं, उनको फायदा भी होता है ना, जब कोई दिक्कत होती है तो पैसा कमाते हैं, तो क्या देश के लिए इतना ही कर सकते हैं? जैसे रतन टाटा साहब जो है इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, जब भी कोई दिक्कत होती है बंदा हमेशा आकर खड़ा हो जाता है कि बताओ क्या दिक्कत है, मेरे पास में जो है चाहे सारा ले लो, पर लेकिन इस दिक्कत को कंट्रोल करो। पर लेकिन सारे जो धनराज सेठ है हमारी कंट्री में, वो इस कैटेगरी के नहीं है, तो उनको ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, जो वैसे ना तो जबरदस्ती लोग से रोबिन हुड वाली अप्रोच अपनाओ। मान लीजिए कल को कोई बड़ी चीज चलानी है तो पैसा तो चाहिएगा ना उसके लिए, तो पैसा उनसे लो जिनके पास में पैसा देने की कैपेसिटी है, और फिर उनको फैसिलिटी काफी सस्ती प्रोवाइड करा दो, जिनके पास में ज्यादा कैपेसिटी नहीं है पैसा देने की, पर फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनको। तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर चीजें सर्वाइव कर पाएंगी। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आज का पूरा डिस्कशन। सॉरी यार, दो पार्ट में लाना पड़ गया, लेकिन यही है, चलिए मैंने सोचा कि यार जब लाना ही है तो क्यों ना आज ही निपटा दीजिए। पेंडिंग चीज़ें डालना थोड़ा सा मतलब अंदर से मुझे पर्सनली इरिटेट करता है, ठीक है। जो चीज़ें जितनी जल्दी निपट जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन गई तो ही चीज़ें होगी कि हाँ उस टाइम पर नहीं आ पा रही है, वरना कोशिश हमें सही रहती है कि तभी निपटा दीजिए, अगर मेरे पास में सारी चीज़ें पैरेलल में बैलेंस में चल रही है तो, ठीक है। तो ये थी बातें आज की डेट में, बाकी टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। शाम तक मैं ट्राई करूँगा कि शाम तक आप लोगों को पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, कल मैं क्वेश्चन नहीं दे पाया था आप लोगों को, तो इसलिए आज दो क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक तो इकोनॉमी वाला बोला पेंडेमिक का इंपैक्ट, और एक जो मैंने आंसर राइटिंग के लिए दिया है फेडरलिज्म का सिस्टम, तो दोनों को अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर टाइम होगा तो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं, वरना अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप लोगों का समय जो है वो कीमती है, उसको इधर उधर वेस्ट मत कीजिएगा फालतू की चीज़ों में, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा इसको रेट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कैसा ये लेक्चर लगता है, वो जरूरी है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता रहता है। जब कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूँ तो मुझे एक आइडिया भी लगता रहता है किस डायरेक्शन में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात और बताइए छोटी सी, एक बच्चे के द्वारा हालांकि बोला भी है इसके बारे में, पहले जो वीडियो बोलता था मैं, अब तो खैर लिमिटेशन है मेरे पास, मुझे एक आराम से बोलना पड़ रहा है, पहले जो काफ़ी हाई स्पीड में बोलता था वो ज़्यादा बेटर लग रहा था आप लोगों को, या फिर फिलहाल प्रेजेंट वाला वर्जन ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसमें आप लोग क्या राय है जरूर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।